हेलो सो आई थिंक वी हैव हैड इनफ़ ऑफ पोएट्री फॉर अ वाइल पांच कविताएं हम डिस्कस कर चुके हैं सो टुडे वी विल मूव ऑन टू योर अदर बुक व्हिच इज़ रिफ्लेक्शंस फ्रॉम द ईस्ट एंड द वेस्ट रिफ्लेक्शंस थॉट्स फ्रॉम द ईस्ट एंड द वेस्ट एंड योर फर्स्ट एसे इज़ अ सीरीज़ ऑफ़ एसेज आपके कुछ क्या है फाइव एसेज इन द कोर्स एंड वील टेक अप द फर्स्ट वन इसको हम थोड़ा क्या है डिटेल में पढ़ेंगे सो दैट आपकी थोड़ी मेमोरी रिफ्रेश हो जाए दैट हाउ एन एसे और प्रोज टेक्स्ट इज मेंट टू बी रेड एंड आफ्टर दैट उसके बाद जो आगे कैसेज होंगे उसको हम थोड़ा क्या है इतना डिटेल में नहीं जाएँगे सो अ पावर द पावर ऑफ प्रेयर बाय ए पी जे अब्दुल कलाम वी ऑल नो हु कलाम इज़ ही वॉज आर फॉर्मर प्रेजिडेंट फ्रॉम टू थाउजेंड टू 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 थाउजेंड सेवन ही वॉज़ बॉर्न इन नाइनटीन थर्टी वन एट रामेश्वरम तमिलनाडु इन अ बोटमैनस फैमिली He was an aeronautical engineer from Madras Institute of Technology, a scholar, a teacher, advisor to the government, a defense scientist. Missiles, was the head of the projects. And then he received the Padma Bhushan, Vibhushan, Bharat Ratna for all of these things. And he also wrote lots of inspiring books like Wings of Fire, which was published in 1999 and it was his autobiography. तो ये जो आपको जो करंट ऐसे दिया है आपके कोर्स में इट इज़ अ इट इज़ एन एक्सर्ट फ्रॉम विंग्स ऑफ फायर वहीं से एक इसका अंश लिया गया है जिसमें क्या है आपको कलाम के चाइल्डहुड और उनके डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी उनके अंदर आध्यात्मिकता कैसे आई उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है सो so, कलाम टेल्स अस दैट ही हैड अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड हालांकि वो क्या है अमीर घर से नहीं थे बट ही हैड अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड फुल ऑफ अफेक्शन एंड केयर एंड नो लैक ऑफ नेसेसिटीज़ ज़रूरतों की कोई कमी नहीं थी उनके पास एंड प्लस उनके आसपास इन देयर फैमिली और इन देयर कम्युनिटी दे वॉज एन एटमोसफेयर ऑफ कम्युनल हारमोनी वो मुस्लिम परिवार से थे रामेश्वरम इज़ अ वेरी फेमस टेम्पल सिटी लेकिन फिर भी क्या है आसपास हिंदू मुस्लिम्स के बीच में कम्युनल हारमनी थी इसमें इनका फ़ादर का बड़ा प्रभु इन्फ्लुएंस रहा है इन पे हिज़ फ़ादर वॉज अ वेरी रिलीजियस मैन एंड यू नो ही यूज़ टू टॉक टू अदर पीपल जैसे मुस्लिम होकर वो पंडितों से बात करते थे दे ऑल ऑफ देम यूज़ टू टॉक अबाउट लाइक यू नो रिलीजियन रिलीजियस एंड स्परिचुअल मैटर्स और उनके पास कई लोग हीलिंग के भी आते थे सो इन ऑल ऑफ़ दिस यू नो कलाम टॉक्स अबाउट द पावर ऑफ प्रेयर सो वैन एवर ही यूज टू गो द मॉस्क ही फील्स दैट यू नो प्रेयर के द्वारा इट यूनाइट्स पीपल विद ईच अदर एंड यूनिवर्स तो क्या है प्रार्थना के माध्यम से लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं और यूनिवर्स से भी जुड़ते हैं एंड ही बिलीव दैट ईच इंडिविजुअल इस पृथ्वी पर जो भी एक व्यक्ति है ही हैज़ अ पार्ट ऑफ द डिवाइन सेल्फ यू नो जो डिवाइन जो सेक्रेट सेल्फ है या फिर प्लान है गॉड का प्लान है उसके मुताबिक सब का एक रोल है इस पृथ्वी पर यू नो सो दिस सेम सॉर्ट ऑफ आइडिया इनफैक्ट ऑल रिलीजन से लाइक चाहे वो बाइबल में देखो या आप वेदों में देखो आत्मा परमात्मा का आत्मा ब्रह्मांड का कॉन्सेप्ट जो है कि इंसान की आत्मा को आप ब्रह्मांड से जोड़ रहे हैंज मिस्टिक थाट्स यू नो सच स्पिरिचुअल अवेयरनेस कैन ऑल्सो भी सीन इन कलाम्स ह्यूमिलिटी क्योंकि जो वो जो काम करते हैं उन्होंने इतना कुछ किया है बट ही सेज कि ये तो क्या है इट वॉज़ गॉड्स वर्क थ्रो हिम इनके द्वारा ईश्वर का काम था ये और ये सब कहीं ना कहीं इनके फादर का इन्फ्लुंस है एंड देन फाइनली यू नो कलामाम कॉल्स अपॉन हिज कंट्री मैन टू रियलाइज द डिवाइन फायर इन दैम यू नो कि सब के अंदर एक डिवाइन एक सेक्रेड ऊर्जाया आग है और इस आग को क्या है हमें विंग्स देने हैं सो दैट इट कैन राइज ये जो आग हमारी है डिवाइन फायर इट कैन राइज इन फ्लाई बेसिकली यू नो ये जो डिवाइन एनर्जी है सबके अंदर इसका क्या है आप बेस्ट यूज़ करें बिकॉज like, you know, इन फैक्ट लाइक यू नो ऑल ऑफ दिस डिवाइन एनर्जी बिकॉज जीजस बुद्धा इन लोगों की हम बात करते तो ये लोग भी इंसान ही थे एंड अगेन यू नो ऑल रिलीजन सीम टू से द सेम थिंग्स सो इस सब के चलते यू नो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉटेंट थिंग्स दैट आई पर्सनली सी फ्रॉम दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड एनवायरमेंट कि अगर किसी बच्चे को आप क्या है एक अच्छी एजुकेशन दे और एक अच्छा माहौल दे स्पिरिचुअल माहौल दे जहाँ पे उसे कोई कमी ना हो मटेरियल नेसेसिटीज़ की इन दैट केस शायद क्या है हर बच्चा कलाम जैसा बन सकता है और ऐसा ही कलाम का मानना था एंड दैट वाज हिज ऑलवेज हिज यू नो मैसेज ऑफ इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस सो देन लेट्स गेट ऑन टू द टेक्स्ट I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. My father, Janu Abdin, had neither much formal education nor much wealth. To father Jadahi Nakuch or Nahi But despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and true generosity of spirit. But he was a wise man and a वेरी जेनरस स्पिरट ही हैड एन आइडियल हेल्प मेड इन माई मदर आशियाम्मा आई डो नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेट एवरी डे बट आई एम क्वाइट सर्टन दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट विद अस दैन ऑल द मेम्बर्स ऑफ आर ओन फैमिली पुट टुगेदर तो यही है कि यू नो घर से ही एस दे से यू नो चैरिटी बिगिन एट होम तो इनके घर में वैसा माहौल था इनकी मदर क्या है लोगों को खाना खिलाती थी फादर ऐसे थे माई पेरेंट्स वो वाइडली रिगार्डेड एज एन आइडियल कपल एक आदर्श कपल थे इनका पेरेंट्स यू नो माई मदर्स लिंगेज वॉज द मोर डिस्टिंग्विश्ड वन ऑफ और फोर हैड हैविंग बीन बिस्टोर द टाइटल ऑफ बहादुर बाय द ब्रिटिश तो उस समय क्या है ब्रिटिश ऐसे टाइटल्स देते थे किसी को बहादुर हो गया ठाकुर हो गया राणा हो गया इस टाइप की चीज़ें आई वॉज वन ऑफ मेनी चिल्ड्रन अ शॉर्ट बॉय विद रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स बॉन्ट टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स We lived in our ancestral house which was built in the middle of the 19th century. It was a fairly large pakka house made of limestone and brick on the moss street in Rameshwaram. My austere father used to avoid all inessential comforts and luxuries. So spiritual man, However, all necessities were provided for in terms of food, medicine or clothes. what is In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally. तो चाहे emotions की बात हो या फिर material जो क्या है पैसे ये सब चीजों की बात हो, कलाम के पास सारी जरूरतें उन्हें दी गई थी बचपन में। हालांकि वो क्या है किसी कुछ rich families से नहीं थे। I normally ate with my mother sitting on the floor of the kitchen. She would place a banana leaf before me on which she then ladled rice and aromatic sambar, a variety of sharp homemade pickles and a dollop of fresh coconut chutney. तो वही तमिलनाडु साउथ इंडियन वहाँ पे क्या है बनाना लीफ पे खाना खाते थे ट्रेडिशनली तो उसका डिस्क्रिप्शन है द फेमस शिवा टेम्पल जिसके लिए रामेश्वरम जाना जाता है विच मेड रामेश्वरम सो सीक्रेड टू पिलग्रिम्स वॉज अबाउट अ वॉक टेन मिनट वॉक फ्रॉम आर हाउस आर लोकेलिटी वॉज प्रीडामेंटली मुस्लिम बट देर और क्वाइट अ फ्यू हिंदू फैमिलीज लिविंग एमिकेबली विद देअर मुस्लिम नेबर्स तो, तो हालांकि इनकी कॉलोनी क्या है कलाम की कॉलोनी में ज़्यादातर मुस्लिम लोग रहते थे लेकिन फिर भी क्या है जो हिंदू घर हिंदू फैमिली थे उनके साथ भी सबके अच्छे रिलेशंस थे दे वॉज अ वेरी ओल्ड मॉस्क इन आर लोकेलिटी वेयर माई फादर वुड टेक मी फॉर इवनिंग प्रेयर्स आई हैड नॉट द फेंटेस्ट आइडिया ऑफ द मीनिंग ऑफ द अरेबिक प्रेयर्स चांटेड क्योंकि ये जो क्या है मुस्लिम जो कुरान है इट इज़ रिटन इन अरेबिक तो इन्हें कुछ समझ में नहीं आता था लेकिन फिर भी ही यॉज टोटली कन्विंस दैट दे रीच गॉड कि ये जो अरेबिक में अरबी में प्रेयर्स पढ़ रहे हैं वो क्या है ईश्वर तक जा रही है When my father came out of the mosque after the prayers, people of different religions would be sitting outside waiting for him. Many of them offered bowls of water to my father, who would dip his fingertips in them and say a prayer. This water was then carried home for invalids, invalid uh bimar uh, I also remember people visiting our home to offer thanks after being cured. My father always smiled and asked them to thank Allah, the benevolent and merciful. सो हिज़ फादर वॉज अ स्परिचुअल मैन एंड ऑल्सो अ हीलर उनके पास लोग आते थे कि यानी सेक्रेड वाटर के लिए कि वो जिस पानी को छूले उसमें कुछ दिव्य शक्ति है और उससे लोग ठीक हो जाते हैं बट उनके फादर का हमेशा कहना था कि ये तो क्या है अल्लाह का काम है उनके द्वारा हो रहा है सो द हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल पक्षी लक्ष्मण शास्त्री वॉज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माई फादर्स वन ऑफ द मोस्ट विविड मेमरीज ऑफ़ माई अर्ली चाइल्ड हुड इज़ ऑफ द टू मैन ईच इन इज ट्रेडिशनल अटायर डिस्कसिंग स्पिरिचुअल मैटर्स तो क्या है जो मेन प्रीस थे रामेश्वरम शिव मंदिर के वो अक्सर क्या है इनके पिता के साथ बैठ कर अपने दोनों अपने अपने ट्रेडिशनल कपड़ों में दोनों स्पिरिचुअल मैटर्स की बात करते थे और ऑब्वियसली इन सब चीज़ों को देख के अब हमें समझ में आता है कि कलाम में ये जो स्पिरिचुअलिटी और ये सब प्रभाव कैसे पड़ा होगा वेन आई ऑज ओल्ड इनफ टू आस क्वेश्चन आई आस माई फादर अबाउट द रेलिवेंस ऑफ प्रेयर माई फादर टोल्ड मी देर वॉज नथिंग मिस्टीरियस अबाउट प्रेयर

वेल्थ एज कास्ट क्रीड इट डजेंट मैटर माई फादर कुड कन्वे कॉम्प्लेक्स स्परिचुअल कॉन्सेप्ट वेरी सिंपल डाउन टू अर्थ तामिल तो इनके फादर का यही ये भी एक टैलेंट था कि क्या है कॉम्प्लेक्स बड़े ही डिफिकल्ट स्परिचुअल थाट्स एंड आइडियाज़ को भी वो बड़े ही सिम्पल डाउन टू अर्थ भाषा में बता सकते थे ही वन स्टोर मी इन इज ओन टाइम इन इज ओन प्लेस इन वॉट ही रियली इज एंड इन द स्टेज ही हैज़ रीच्ड गुड और बैड एवरी ह्यूमन बींग इज अ स्पेसिफिक एलिमेंट विद इन द होल ऑफ द मैनिफेस्ट डिवाइन बींग

तो उसको समझने की कोशिश कर दीजिए क्योंकि जो हमारे जो हाँ जो एडवर्सिटी है जो भी क्या है जो हमारा दुख का या कठिन समय होता है उसी समय में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं सो ईच इंडिविजुअल क्रिएटर ऑन दिस ब्यूटीफुल प्लानेट इज़ क्रिएटेड बाय गॉड टू फुलफिल अ पर्टिकुलर रोल Whatever I have achieved in life is through his help and an expression of his will. He showered his grace on me through some outstanding teachers and colleagues and when I pay my tributes to these fine persons I am merely praising his glory. All these rockets and missiles are his work through a small person called Kalam in order to tell the several million mass of India to never feel small or helpless. We are all born with a divine fire in us. Our efforts should be to give wings to this fire and fill the world with the glow ऑफ़ इ्स गुडनेस सो एज़ अगैन एज वी टॉक्ड अबाउट बिफोर एवरी इंडिविजल हैज़ ए पर्टिकुलर रोल एंड इन हेयर वी कैन सी कलाम्स मॉडेस्टी एंड ह्यूमिलिटी वो क्या है सिंपली बोल रहे जितना भी कुछ मैंने जो काम किया है अपने जीवन में वो सब क्या है एक तरह से ईश्वर का काम था जो मेरे द्वारा हो हो रहा था और वैसे ही वो अपने क्या है फेलो कंट्री मैन इंडियंस को क्या कह रहे हैं कि प्लीज़ ये जो आप हम सब के अंदर एक जो डिवाइन फायर है उसे जानिए और उसे क्या है उड़ने दीजिए ताकि पूरी पृथ्वी में उसकी चमक फैल जाए